नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल कास्ट में। और आज मैं आपको ग्रैंड आइटन न्योस के ऐसे सीरीज और उसके प्राइस की डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नॉर्मल फ्लोरिंग का उपयोग नहीं किया है और हमने यहाँ पर 90 फ्लोरिंग लगवाई है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और इससे गाड़ी की लुक्स भी एनहेंस हो जाती है। अगर दोस्तों आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी में फ्लोरिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि दोस्तों फ्लोरिंग करवाने से हमारा जो कंपनी फिटेड कारपेट होता है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। इन केस फ्लोरिंग में कोई लिक्विड गिर जाता है तो उसके लिए हमें बस गीले कपड़े से उसे साफ करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर फिट एंड फिनिश, ये हर गाड़ी के लिए प्रॉपर फिटिंग के साथ आता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरिंग यहाँ पर दो टाइप की होती है, नॉर्मल फ्लोरिंग होती है जो लगभग 1200 की होती है, और दूसरी होती है 90 फ्लोरिंग जो लगभग 2000 रुपये की होती है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेंड्स स्टेयरिंग कवर में। ये जो स्टेयरिंग कवर है ये लेदर रैप स्टेयरिंग कवर है, इसकी प्रॉपर सिलाई होती है। ये जो स्टेयरिंग कवर है इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, और भी जो स्टेयरिंग कवर थे वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने ये वाला स्टेयरिंग कवर टेम्परेरी अपनी गाड़ी में लगवा लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। ये स्टेयरिंग कवर मुझे लगभग 300 रुपये का पड़ा था। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं सीट कवर्स में। ये सीट कवर लेदर सीट कवर है, लेकिन ये प्रॉपर बकेट फिट सीट कवर नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमारी गाड़ियों की ओरिजिनल सीट होती है उसकी कटिंग होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर सेमी बकेट फिट सीट कवर्स लगवाए हैं ताकि हमारी सीट में किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शन थे, बकेट फिट सीट कवर, नॉर्मल सीट कवर और सेमी बकेट फिट सीट कवर। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर तीनों के प्राइसिंग बता देता हूँ। जो बकेट फिट सीट कवर्स थे उसका प्राइस लगभग 7000 रुपीज़ था, और सेमी बकेट फिट सीट कवर्स जो यहाँ पर हमने लगवा रखे हैं इसका प्राइसिंग लगभग 4000 रुपीज़ था, और एक नॉर्मल सीट कवर आता है जिसका प्राइस लगभग 1000 रुपीज़ है। अब नेक्स्ट ऐसे सीरीज़ है फ्रेंड्स हमारी साइड बिडिंग। साइड बिडिंग्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे कि क्रोम साइड बिडिंग है, नॉर्मल साइड बिडिंग है, ड्यूअल कलर साइड बिडिंग है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगवाया है क्रोम साइड बिडिंग। ये जो साइड बिडिंग है ये हमारी कार के डोर्स को प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं इसके प्राइसिंग में। तो दोस्तों पहली साइड बिडिंग है ड्यूअल कलर की, जिसकी प्राइसिंग है लगभग 1500 रुपये। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेंड्स क्रोम साइड बिडिंग में, जो कि लगभग है 1200 रुपये की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेंड्स नॉर्मल साइड बिडिंग में, जो कि है लगभग 700 रुपये की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेंड्स कुशंस में। ये कुशन लगभग मुझे 1650 रुपये के पड़े हैं, ये मैंने होंडे के जेन्युइन एसेसरीज से लिए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बम्पर प्रोटेक्टर, ये मुझे लगभग 600 रुपये के पड़े हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शेड, शेड मुझे लगभग 1200 रुपये के पड़े हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड मैटिंग, मैंने मैटिंग कंपनी से भी डलवा रखी है और आफ्टर मार्केट भी डलवा रखी है। जो फ्रेंड्स मैंने कंपनी से मैट डलवा रखी है वो मैट रबड़ मैट थी, और जो मैट मैंने आफ्टर मार्केट डलवाई है वो प्रीमियम मैट है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं मैट्स के प्राइस की। जो मैट मैंने शोरूम से लिया है वो मुझे लगभग पड़ी थी 2000 रुपये की, और जो मैट मैंने आफ्टर मार्केट ली है वो मैट मुझे लगभग पड़ी थी 1400 रुपये की। ये जो हेडरेस्ट हैं ये मैंने हुंडई के जेन्युइन एसेसरीज से लिया था, ये मुझे पड़े थे लगभग 1350 रुपये के। ये जो फुट स्टेप है इसे मैंने लिया था हुंडई के जेन्युइन एसेसरीज से, ये मुझे लगभग पड़ा था 900 रुपये का। और ये है मूड लाइटिंग,
जो मैंने आफ्टर मार्केट ली है, ये मुझे पड़ी थी लगभग 650 रुपये की। ये हैं डूर वाइजर्स, ये मैंने होंडे की जेन्युइन एसेसरीज से लिया था, ये मुझे लगभग पड़े थे 1350 रुपये के। फ्रेंड्स अब आप आनंद लीजिए सिनेमैटिक शॉट्स का।